मैं आरके सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये आपका वीडियो लाभ प्रतियोगियों को समर्पित है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिविल प्रक्रिया संहिता को बड़े ही सरल ढंग से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। सिविल प्रक्रिया संहिता पर यह मेरा दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो मेरा आ चुका है, उसी पार्ट में ये टू पार्ट है। तो जैसा कि पहले वीडियो में मैंने धारा दो में जो विभिन्न शब्दों की परिभाषाएं दी गई थी, उनकी मुख्य मुख्य शब्दों की परिभाषा बताई थी। दो परिभाषा और मुख्य हैं जो मैं आज बताने जा रहा हूँ और इसके आगे जाऊँगा। तो कल इसके पहले वीडियो पार्ट फर्स्ट में मैंने अंतरकालीन लाभ जो 2.12 में बताया गया है उसके बारे में बताया था। दो शब्द और हैं जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, वो है आपका जंगम संपत्ति, ये आपके धारा 2.13 में बताई गई है। और जंगम संपत्ति की परिभाषा में लिखा गया है कि केवल उगती हुई फसलें ही जंगम संपत्ति हैं। तो ये परिभाषा काफी सीमित परिभाषा है, ये केवल सीपीसी में ही लागू होती है, अन्य अधिनियमों में नहीं। अगली परिभाषा हमारी बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है जो डिग्री के समतुल्य है, जैसे कि जिसे हम आदेश बोलते हैं, ये धारा 2.14 में है। तो 2.14 में आदेश के बारे में बताया गया है, ये कहा गया है कि सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय अर्थात किसी मामले को निश्चित करना, विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति जो डिग्री नहीं है आदेश है। तो डिग्री व आदेश अलग अलग है। आदेश भी सिविल न्यायालय की जो है वो विनिश्चय की प्रारूप अभिव्यक्ति होता है, लेकिन ये डिग्री की श्रेणी में नहीं आता है, तो इसे हम आदेश कह सकते हैं। तो स्पष्ट हो गया ये, चलिए हम आगे चलते हैं। धारा 3, इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई गई है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। वो टॉपिक है आपका न्यायालयों की अधीनस्थता, न्यायालयों की अधीनस्थता अर्थात सिविल न्याय, कौन सा सिविल न्यायालय किस न्यायालय के अधीनस्थ होगा। तो पहली बात तो इसमें ये कहा गई है कि जितने भी जिले में जिला न्यायालय हैं वो सभी किसके अधीनस्थ होंगे, हाई कोर्ट, उस राज्य के हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होंगे। इसी प्रकार जिला से नीचे के अधीनस्थ सिविल न्यायालय और लघुबाग न्यायालय, ये सिविल न्यायालय के अधीनस्थ तो होंगे ही, साथ साथ जो है उस राज्य के उच्च न्यायालय के भी अधीनस्थ होंगे। इस प्रकार से इन पर दोहरा नियंत्रण होता है, इन पे सिविल न्यायालय का भी अधीनस्थ होते हैं ये और हाई कोर्ट के भी अधीनस्थ होते हैं। अब हम बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहे हैं, वो है इससे आपके क्वेश्चन आते हैं, धारा 9। धारा 9 ये आपको एक कथन करती है कि सभी सिविल प्रकृति के बाद को सुनने का अधिकार जो है वो सिविल न्यायालय को होगा। अब ये प्रश्न उठता है कि सिविल वाद क्या है, किन्हें अपन सिविल वाद कह सकते हैं। तो इसके संबंध में थोड़ा सा प्रकाश डाला गया है आपके धारा 9 के स्पष्टीकरण 1 में। तो ये अगर एग्जाम पूछा गया है कि सिविल वाद के संबंध में प्रकाश डाला गया है तो धारा 9 में डाला गया है, और सिविल प्रकृति के बाद क्या है इसके संबंध में धारा 9 के स्पष्टीकरण 1 में बताया गया है। तो स्पष्टीकरण 1 में कहा गया है, बहुत छोटी बात कही गई है, बहुत आसान है, कि संपत्ति या पद संबंधी विवाद, मैंने ऐसे तमाम विवाद जिसमें संपत्ति है या पद है, तो ऐसे विवादों को हम क्या कहेंगे, सिविल प्रकृति के विवाद। अर्थात ये सिविल न्यायालय जो है अपने क्षेत्राधिकार के आधार पर इनका विनिश्चय कर सकेंगे। अब सिविल प्रकृति के बाद कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं, ये काफी लंबी सूची है, और इससे एक क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा सिविल प्रकृति का वाद है, कौन सा सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। तो न्यायालय के निर्णयों में भी बहुत सारे ऐसे मामले डिसाइड हुए हैं कि कौन से सिविल वाद है, कौन से सिविल वाद नहीं है। हम मोटे रूप पे कुछ इस तरह के मामलों पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे सिविल प्रगति के बाद कौन कौन से हैं, तो जैसे कि निजी अधिकारों से संबंधित बात, माने कोई ऐसा बात जिसमें निजी अधिकार से संबंधित कोई मामला है। दूसरा है मृतक को दफनाने का अधिकार से संबंधित बात। फिर है आपका विवाह विच्छेद, से हम तलाक भी कहते हैं, से संबंधित विवाद। फिर ये है मत देने या वोट डालने से संबंधित अधिकार। फिर है धार्मिक या अन्य जुलूस निकालने का अधिकार।
और भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो आपको इस विषय पर किताबों में अच्छी खासी एक सूची मिल जाएगी, जिनको आप एक दो बार ध्यान से पढ़ लें, तो इस पर कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। इसमें वैसे कौन से सिविल बाद नहीं है, इनकी संख्या काफी कम है, तो आप इन पे ध्यान दें तो आपसे क्वेश्चन ये बन जाएगा। अब कौन से बाद सिविल बाद नहीं है, तो उसमें हम भी तीन चार उदाहरण देना चाहेंगे। जैसे पहला है कि शुद्ध राजनीतिक या धार्मिक प्रश्न से संबंधित विवाद, ये आपका सिविल प्रकृति का विवाद नहीं है। इसी प्रकार से जातिगत प्रश्न संबंधी विवाद, ये भी आपका सिविल प्रकृति का विवाद नहीं है। फिर आपका है स्वेच्छा से भुगतान संबंधी बात, ये भी आपका सिविल विवाद नहीं है। फिर है किसी पद की गरिमा से जुड़ा हुआ बात, ये भी आपको सिविल बात नहीं माना गया है। तो ये इसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, इससे आपका एक क्वेश्चन तो आपका आता ही है। अब हम अगला टॉपिक ले रहे हैं, न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो क्षेत्राधिकार से आप पाया है कि वो कौन से मामले हैं, किन क्षेत्रों के मामले हैं, उनमें धन संबंधी क्या मामला है, कि कोई सिविल न्यायालय उसको जो है वो सुन सकता है, विचार कर सकता है और निर्णय कर सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिविल न्यायालय द्वारा किसी बात को सुनने, निर्णय करने की शक्ति को ही हम जो है उस न्यायालय का क्षेत्राधिकार कह सकते हैं। ये क्षेत्राधिकार सामान्यतः तीन प्रकार का होता है। पहला आपका है स्थानीय क्षेत्राधिकार, दूसरा है आपका आर्थिक क्षेत्राधिकार, और तीसरा है आपका विषय वस्तु संबंधी क्षेत्राधिकार। तो स्थानीय क्षेत्राधिकार से अभिप्राय है भूभाग से है, तो जैसे कि जिला के अंतर्गत सभी सिविल प्रकृति के बाद जो है वो जिला न्यायालय द्वारा सुने जा सकेंगे या उसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुने जा सकेंगे। इसी प्रकार दूसरा है आर्थिक क्षेत्राधिकार, इसमें संपत्ति के मूल का आकलन किया जाता है और उसके आधार पर अधिकारिता डिसाइड की जाती है। तो इसमें भी आप आंकड़े हैं कुछ, जैसे कि आपका व्यवहार न्यायाधीश सेकेंड, व्यवहार न्यायाधीश फर्स्ट या जिला न्यायाधीश जो है वो कितनी कितनी संपत्ति संबंधी विवाद को सुन सकेंगे, इस पे आपका क्वेश्चन आता ही है। और तीसरा विवाद है आपका विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता, है ना, विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता। तो तीसरी अधिकारिता क्या है, विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता। इसका मतलब यह है कि जो विवादित संपत्ति है वो कहाँ पे स्थित है, किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है, तो जिस न्यायालय क्षेत्राधिकार में स्थित है समानतः बात जो है वो उसी क्षेत्र के सिविल न्यायालय द्वारा सुने जाएंगे। तो इस प्रकार से मेरा ये पार्ट टू था सीपीसी का, और मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। अगले वीडियो में मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे आपके विचाराधीन न्याय है जो आपके धारा सेक्शन आपके 10 में है, इसी प्रकार से प्रांग न्याय, इसे अपन रेस जुडिकेटा भी बोलते हैं, और इसके आगे बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उन पर चर्चा करूँगा। तो इस प्रकार से मैं पार्ट टू समाप्त करता हूँ, और मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल जो पूर्णतः स्वैच्छिक है और निःशुल्क है, तो इसका जरूर लाभ उठाएं और इसको सब्सक्राइब कर लें, उन लोगों को शेयर कर दें जिनको इनकी आवश्यकता है। तो मैं सभी आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ और आपसे विदाई की अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद।